हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? दोस्तों, अगर पीछे से कोई आवाज़ आती होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं जहाँ पर हूँ अभी, नीचे में मेन रोड है, बहुत बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। आसपास से कोई आवाज़ आती होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ आप लोग की हेल्प करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे फॉलोवर ने पूछा है कि ब्लॉगर का जो क्रेडिट सोशल क्रेडिट फुटर है, जो नीचे का, बाकी सारे लिंक तो आप ऐड कर रहे हैं मगर नीचे का जो क्रेडिट फुटर है, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है, क्रेडिट फुटर विद ब्लॉगर्स पॉय, ये वाला ऑप्शन है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए आराम से, जरूरत पड़े तो डाउनलोड करके रख लीजिए, उसे बार बार देख के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से कहता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ब्लॉगर के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉगर का एक होम पेज है, आप लोग को दिखाने के लिए ही मैंने ये एक वेबसाइट क्रिएट किया है, ठीक है। इस पर मैं आपको ये सोचिए, जो फुटर है, ये फुटर को मैं चेंज कर कर आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जाना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर, ओके। जाने के बाद में आपको थीम पर क्लिक करना है, ठीक है। इस थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, करने के बाद में कस्टमाइज के सामने में जो एरो है, इस एरो पर क्लिक करना है। करने के बाद में एक बार बैकअप ले लेना है, ओके। बैकअप डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में फिर इस पर एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जाना है एडिट एचटीएमएल ऑप्शन पे, ओके। इस एडिट एचटीएमएल ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना, ओके। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कहीं भी एक बार ऐसे क्लिक करना है, ओके। क्लिक करने के बाद में कंट्रोल एफ दबाना है, ओके। कंट्रोल एफ दबाने के बाद में यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको यहाँ पर कहीं पर ऐसा एरो लाइन फ्लैश कर रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली फिर से क्या करना है, आपको जाना है आपके होम पेज पे, ओके। होम पेज पे जाने के बाद में नीचे पे जो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिएटेड विथ, ओके। क्रिएटेड विथ को यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है, ओके। कॉपी कर लेने के बाद में फिर से आपको जाना है उस एचटीएमएल ऑप्शन पे, ओके। यहाँ पे फिर जहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा था यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना, ओके। उसके बाद इंटर मार देना है। उसके बाद भी अगर इंटर मारने के बाद भी यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना है, इसको जो आपने पेस्ट किया था इसे डिलीट कर देना, फिर से आपको वही लिखना है। क्रिएटेड बाय, ओके, क्रिएटेड बाय था यहाँ पे, यस, क्रिएटेड विथ, ओके, क्रिएटेड विथ, ओके, वही चीज़ यहाँ पे सिंपली लिख देना है, ओके। क्रिएटेड विथ लिखने के बाद में फिर से आपको इंटर मारना है, ओके। उसके बाद भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो फिर उसे डिलीट करके फिर से क्रिएटेड विथ लिखिएगा, सिंपल कोई सेम चीज़, ओके। जैसे आप लिखिएगा, इंटर मारिएगा, इंटर मारने के बाद में यहाँ पे देखिएगा नीचे क्रिएटेड विथ फ्लैश होगा, ओके, जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, ओके। सो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ऊपर में देखिए क्लास कंटेनर रो लिखा हुआ, ओके, इस पर आपको सिंपली एक बार यहाँ पर क्लिक करना है, ओके, ठीक है। सिंपली इस एरो वाले ऑप्शन के बगल में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में दो बार इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद में आपको जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहाँ पे जो कॉपी लिंक दिया हुआ है उसे आपको कॉपी करना है, ओके। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको इसी जगह पे जहाँ पे ये लाइन फ्लैश हो रहा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके। प्लेस करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए अपने ब्लॉगर के होम पेज पे जिसका फुटर आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। होम पेज पे जाने के बाद में उसका जो ये होम पेज का जो ऊपर लिंक है इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिए, ओके, यूआरएल। करने के बाद में फिर आप जाइए उसी जगह पे, ठीक है। जाने के बाद में दोस्तों यहां पे देखिए https हॉट डील्स फॉर यू, ओके, ये मेरा ब्लॉगर का होम पेज का यूआरएल है। आपको सिंपली क्या करना है, इस चीज़ को https तक डिलीट करना है, जो कॉपी किया वहाँ से सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके। उसके बाद में देखें यहाँ पे हॉट डील्स फॉर यू लिखा हुआ, ओके, ये आपका यहाँ पे ब्लॉग का नाम होगा, ओके। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्लॉग का नाम या कुछ भी, ओके। सो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम लिख दे रहा हूँ, ओके। आपको जब ब्लॉग का नाम है
वो आप लिखिएगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, लिख देने के बाद में सिंपली आपको नीचे आना है। ओके, लाइक दिस, ये वाला ऑप्शन पे। ओके, सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे DIV क्लोज दिया हुआ है, यहाँ पे आना है। ओके, आने के बाद में फिर आपको नीचे आना है, इंटर मार के नीचे ही है। नीचे आने के बाद में दो बार यहाँ पे डैश दीजिए, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए। ओके, कॉपी कीजिए, करने के बाद में डैश दे के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इसको सेव कर देना है। ओके, ऊपर से। ओके, ये प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग लेने में 15-20-25 सेकंड ले सकता है, थोड़ा रुक जाइएगा। ओके, सो ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं चलता हूँ मेरे ब्लॉग के होम पेज पे। ओके, ये मेरा ब्लॉग का होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटेड विद byblogspot.com लिखा हुआ है। सिंपली मैं क्या करूँगा, पेज को एक बार रिफ्रेश करूँगा। ओके, रिफ्रेश करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे कॉपीराइट्स 2022, देखिए मेरे ब्लॉग का जो नाम है, ये मैंने ऐसे ही एक वेबसाइट बनाया क्योंकि मुझे आपको शो करना था कि कैसे हम नीचे का जो चेंज कर सकते, इसीलिए यहाँ पे कुछ मेरा जो ब्लॉग का नाम है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो कर रहा है। ये मैंने ऐसे ही रैंडम दे दिया था, ठीक है। जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ, सॉरी, ठीक है दोस्तों, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करेगा, देखिए इस पर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके ब्लॉग पे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप किसी और वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, किसी वेबसाइट और भी वेबसाइट का जो URL है ऊपर का होम पेज का, आप इसे दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या कोई भी URL आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपको मैंने आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया होगा, दिया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको हेल्प भी मिली होगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। सो दिस इज मुनीर रेसा का टेक्निकल ट्रैक, चेकिंग आउट।